कैसे यार डायमंड का मान सम्मान और इतनी कम पड़ी है। तो दोस्तों इनके हाथ में माइक हैंडओवर करने के पहले डायमंड के लिए कुछ तो बोलना बनता है, सही बात है गलत बात है? यस या नो? तो एक ही बात कहना चाहूंगा दोस्तों, खुदा करे इनकी हस्ती का ऐसा नजारा बन जाए, खुदा करे इनकी हस्ती का ऐसा नजारा बन जाए, मैके की खुशबू किनारों पे और दरिया भी किनारा बन जाए। तो मैं पहले इनवाइट करना चाहूंगा हमारे दत्तात्रेय करम सर को आपकी जोरदार तालियों के साथ। यही हॉल के अंदर जब मैं नया था लॉन्ग बैक 2005 की बात करता हूं, पीछे बैठा था, जिंदगी में कभी नहीं सोचा था स्टेज पे आऊंगा और डायमंड बनूंगा। वो दिन मुझे याद है, लास्ट में बैठे थे और सोचे थे एक बार तो यहां पे रोज मिले, फूल मिले, माला मिले, यदि वहां से उठकर मैं यहाँ पे डायमंड बन के आ सकता हूं। पहली बात यहाँ पे बैठा हुआ हर एक शख्स एक मैनेजमेंट के साथ एक कंपनी के साथ डायमंड बनने वाला। फ्रेंड्स 2007 जब आयरस आपने बताया कि मलेशिया टूर की, आई वॉज वेरी लकी, मेरे 3 ID क्वालिफाई थे। जब से टूर डिक्लेयर हुआ था डे नाइट सर्विस कर रहे थे, कंटिन्यूस काम कर रहे थे, 3 ID क्वालिफाई थे, उसमें मैं, मेरी डॉटर, मेरी वाइफ एंड माय सन, साथ में 2 निर्द है संजय वाबले साहब, सुनील पाटिल साहब, टोटल इंटायर टीम से ओनली 3 पीपल। 2007 में मेरे साथ सिर्फ 3 लोग क्वालिफाई थे मेरे फैमिली छोड़कर। वो टाइम जब पहली चीज एक इमोशनल अटैचमेंट है, मेरे बेटी को जब मालूम हुआ कि हम लोग मलेशिया जाने वाले हैं, आप बिलीव नहीं करोगे, शी वॉज 6 years old, 6 साल की बेटी थी, और जब उसको मालूम पड़ा कि हम लोगों को मलेशिया जाने का मौका मिलेगा तो उसके रूम में गई हो, उसने ग्रीटिंग बनाया और वो ग्रीटिंग पे लिखा पापा यू आर द ग्रेटेस्ट पापा इन द वर्ल्ड। वो दिन अभी भी मुझे याद है, आई एम वेरी इमोशनल, अभी भी मुझे याद है, और तब से जाकर मैंने कसम खा ली जो जो मेरे बेटी को चाहिए वो सब मैं मैनेजमेंट से, सिस्टम से, नेटवर्किंग से लाके दूंगा। अनबिलीवेबल, जब आपने मलेशिया का कन्वेंशन देखा होगा, वही कन्वेंशन में मेरे बेटी ने 12th का एग्जाम देने के बाद स्टेज से स्पीच किया था कि मैं भी नेटवर्कर बनूंगी। तो मैं ये बात करना चाहता हूं, आज क्वालिफाई होके देखिए, जैसे मैं मलेशिया क्वालिफाई हुआ, पहले मलेशिया ट्रिप में सिर्फ 3 लोग थे, दूसरे में 17 थे, बाद में 60 थे, बाद में 100 थे, और उसके बाद हजारों लोगों को लेके हम लोग इंटरनेशनल टूर कर चुके। तो एक ही बोलूंगा, आपके हाथ में एक्सीलेटर दे रहे हैं, फ्लाइट की की आपके हाथ में दे रहे हैं, सिर्फ आने वाले 3 महीना पागलों के काम करो। क्योंकि बिजनेस नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर एकमात्र कंपनी है जहां पे लोग दुनिया बोलती गो डायमंड गो डायमंड गो डायमंड, मैं आज तक कोई किसी डायमंड को नहीं मिला था बाहर की इंडस्ट्री में, बट दिस इज द ओनली कंपनी जहां पे डायमंड बन सकते हैं, थाईलैंड अच्छे बन सकते हैं, बाको अच्छे बन सकते हैं, आपके सपने पूरे कर सकते हो। विश यू ऑल द बेस्ट, जय हिंद जय थाईलैंड जय थाईलैंड। अभी मैं बुलाना चाहूंगा हमारे मुंबई के मिस्टर हरीश शेट्टीगर सर।
नमस्कार। दो मिनट दिया गया मुझे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये हॉल में जितना लोग है कंग्रेचुलेशंस, क्योंकि आप लोग का अंदर आने का मौका मिला। क्योंकि बहुत सारे लोग अंदर नहीं है, अंदर आया है तो आपको एक कमिटमेंट करना पड़ेगा सेल्फ उधर तक पहुंचने के लिए तैयार। फ्रेंड्स, 15 अगस्त को बहुत सारे मिनिस्टर लोग, प्राइम मिनिस्टर लोग वो लाल किले में खड़े रह के बोलते हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इंडिया में डेवलप होना चाहिए, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए। हिंदी में उसको क्या बोलते हैं सर? रोजगार, स्वयं रोजगार होना चाहिए। सिर्फ माइलेज से वो चीज कर सकता है फ्रेंड्स। और इंडिया का सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट, हम सारे लोग मिलके उसको दूर करने के लिए कुछ कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, बड़ा कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। भाई लोग, ऊपर लोग जो बैठे हैं दूर दूर, आप लोग दिख नहीं रहे हमें। मैं पर्टिकुलरली आप लोग को बोलना चाहता हूं, आप लोग बहुत लंबे में बैठे हैं, एटलीस्ट आप लोग अगर थाईलैंड अचीव करेगा, बापू एक अचीव करेगा ना, आपका सीनियर लोग नेक्स्ट टाइम आपको ग्राउंड फ्लोर का टिकट देंगे। तो इधर बैठा हुआ बहुत सारे लोग दिखते हैं, उधर बैठा हुआ लोग दिखते नहीं है। हम भी ऐसे थे, लेकिन हमने डिसाइड किया फ्रंट रोज में बैठने का। आज मेरा सबसे बड़ा अचीवमेंट क्या है मालूम है? मेरे दोनों बच्चे लोग इधर फ्रंट रो में बैठे हुए हैं। अभी ये कहीं भी डायमंड है, और अगले साल तक मेरा बेटा भी मेरा बाजू में खड़ा रहेगा डायमंड बनकर। नेक्स्ट 4-5 साल का अंदर कम से कम 5 ID ITC लेवल तक लेके जाएंगे, ये मेरा कमिटमेंट है। और यही चीज आप लोग कर सकते हैं फ्रेंड्स। एक मिनट ले सकता हूँ? एक बार एक एडवर्टाइजमेंट आया था बहुत बड़ा MNC का, मल्टीनेशनल कंपनी का एडवर्टाइजमेंट आया था। हम लोगों का ऑफिस लंदन में है, पेरिस में है, जर्मनी में है, इधर है, उधर है, बहुत सारे जगह पे हम लोग का एम्प्लॉय चाहिए। मेरे जैसे एक बंदे अप्लाई कर दिया और उसको नौकरी मिल गया, बहुत खुश हो गया वो, लड्डू फुटा उसको, नौकरी मिल गया। पोस्टिंग किधर मिलेगा? बोला गया दादर में। अगर थाईलैंड अचीव नहीं करेगा, बापू अचीव नहीं करेगा ना, हम लोग को मथुरा महाबलेश्वरी जाना पड़ेगा जैसा हम लोग जाते थे। तो अचीव कर लीजिए, साथ में जाएंगे। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। अभी दोस्तों बुलाते हैं इंडिया फर्स्ट डायमंड मिस्टर। एक मिनट का समय है, एक ही चीज कहूंगा मेरे दोस्त, हम जैसे साधारण इंसान के लिए इससे बढ़कर के जिंदगी को जीने का दूसरा मौका कहीं नहीं है। अगर आपको अपनी लाइफ के सपनों से प्यार है, अगर आप अपने फैमिली को प्यार करते हो, अपने माँ बाप को, अपने बच्चों को, अपने स्पाउस को, तो मैं सच कहता हूं एक बार अपने जीवन में कुछ साल, शायद 5 से 6 साल या 7 साल, अगर आप दिल से माई लाइफ स्टाइल को दे देते हो ना, मैं एक चीज दावे के साथ कहूंगा, ये आपकी आने वाली जितनी भी जनरेशन है ना, ये माई लाइफ स्टाइल की कजरदार हो जाएगी। आपको कोई ऐसा सपना अधूरा नहीं होगा जो आप यहां से पूरा नहीं कर सकते हो, और ये एक मौका आपके सामने है, जी जान से लग जाइए। देखिए, पाने के लिए बहुत कुछ बता दिया, कितनी इनकम आएगी, क्या आएगी, लेकिन इस बीच में आपको कुछ खोना भी पड़ेगा। मैं आपको खोने वाली चीज बताने जाता हूं, खोना यह पड़ेगा, आपको थोड़ी सी नींद खोनी पड़ेगी, आपको अपना घर छोड़ना पड़ेगा, किसी और के घर मत जाना, बिजनेस के लिए जाना। आपको थोड़ी सी वर्ल्ड कप की चिंता छोड़ देनी है और थाईलैंड पाकों की चिंता शुरू कर देनी है। आपको अपने दोस्त कहां पे हैं, कौन
क्या कर रहा है, इन सब चीजों की फुजील चीजों में वक्त नहीं जाया करना है। बस एक ही सपना लेके जाइए, मुझे बाकू जाना है, मुझे थाईलैंड जाना है। आने वाले चंद सालों में आप यहाँ खड़े होके बोलोगे मैं भी इस बिजनेस का करोड़पति इंसान हूँ। जय हिंद, जय जय भाई, जय जय।